हेलो स्टूडेंट्स दिस इज योर एसएसटी क्लास वी आर डूइंग चैप्टर नंबर फोर ऑफ जियोग्राफी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक रिवर्स सो लेट्स स्टार्ट अ रिवर इज़ अ स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल ऑफ द सरफेस अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी रिवर क्या है एक्चुअली एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है जिसमें है पानी ऊपर से नीचे आ रहा है वो ग्रेविटी के रीजन से द पॉइंट ऑफ ओरिजन ऑफ अ वाटर इज कॉल्ड एज द सोर्स ऑफ द वाटर एंड प्लेस वेयर इट ड्रेन आउट इट्स वाटर इज कॉल्ड एज द माउथ ऑफ द रिवर जहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है यह स्टार्ट हो रही है रिवर इज कॉल्ड सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ रिवर एंड जहाँ पर यह ड्रेन आउट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे माउथ ऑफ द रिवर द एंटायर एरिया ड्रेन बाय रिवर विद इट्स ऑल ट्राइब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इज कॉल्ड एज द रिवर बेसिन और रिवर और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्राइब्यूटरीज सारा एरिया जितना कवर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे रिवर बेसिन अ रिवर एज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल एजेंट्स हैज थ्री टाइप्स ऑफ वर्क्स कि रिवर में मेनली जो थ्री टाइप के वर्क्स होते हैं दीज आर इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन और इन्हीं थ्री वर्क्स को हम थ्री स्टेजेस में डिवाइड uh, कर सकते हैं अ रिवर कोर्स इज डिवाइडेड इन थ्री स्टेजेस दीज आर अपर कॉर्स मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स फर्स्ट इज अपर कोर्स द अपर कॉर्स रिवर फ्लोज वेरी फास्ट एज यू कैन सी इन द डाइग्राम कि जो रिवर है वह स्टार्ट कहाँ से हो रही है माउंटेन रेंज से और रीजन क्या है रेन फॉल रिवर स्टार्ट हुई है दिस इज कॉल्ड रिवर सोर्स इन दिस कोर्स द अपर सॉरी द अपर कॉर्स रिवर फ्लोज वेरी फास्ट जो इस स्टेज पे है अपर कोर्स में है जो वाटर है बहुत फास्ट बहुत तेजी से है वो नीचे आ रहा है द रिवर मोस्टली परफॉर्म्स इरोशनल वर्क इन दिस स्टेज और जैसे कि पानी इतने वो फास्ट स्पीड के साथ वो नीचे आ रहा है जब तो वो वाटर अपना रास्ता बनाएगा बीच में वो इरोजन करेगा मोस्टली इस स्टेज पे क्या होता है वर्टिकल वर्टिकल इरोजन इरोजन का मीनिंग क्या है जो कटाव कि जो पानी जब इतनी स्पीड के साथ आ रहा है अपना रास्ता बनाएगा Uh, तो ये क्या होगा इट्स अ प्रोसेस विच वेयर्स अवे बैंक्स तो इसके रास्ते में कुछ भी आता है चाहे वो माउंटेन्स हैं कुछ भी वो उसको काट के पानी अपना रास्ता बना के वो नीचे आएगा इट मेक्स चीप्स वैलीज कॉल्ड कॉर्जेस ये क्या बनाएगा नैरो वैलीज एंड वाटरफॉल्स नेक्स्ट इज मिडिल कोर्स इन द मिडिल कोर्स द स्पीड द रिवर रिड्यूसिस एंड इट फ्लोज इन अ जिग जैग वे जब रिवर अपने मिडिल कोर्स में पहुंचेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी एंड इट विल फ्लो इन अ जिग जेग वे जिग जेग वे में वो जो हो जाएगी स्टार्ट मियो ऑफ द रिवर देन इट स्टार्ट हॉरीजोंटल इरोजन अब जैसे आप डाइग्राम में देख सकते हो जब जिग जैग वे से कभी इस एक, एक साइड जा रही है फिर दूसरी साइड जा रही है तो पहले क्या था इरोजन हो रहा था वर्टिकली अब क्या होगा हॉरीजोंटल शेप में वो इरोज़न हो स्टार्ट uh, होगा उसका As the speed reduces, it starts depositing the load carried down from the upper course along with its two banks and on its bed. Erosion, transportation, and deposition go simultaneously. अपर कोर्स में क्या हो रहा था सिर्फ इरोजन हो रहा था बट जो middle कोर्स में है, क्या होगा इरोजन भी होगा ट्रांसपोर्टेशन जो वाटर के साथ जो चीज़ें को इरोजन हो रहा है वो नीचे साथ वाटर के साथ आएंगी और डेपोजिशन होना भी स्टार्ट हो जाएगा वो एक जगह पे आके वो जो uh, sediments हैं वो डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएंगी मैनी स्मॉल रिवर्स the द रिवर इन दिस स्टेज are आर कॉल्ड एज Thus द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस रिवर इंक्रीज इन दिस स्टेज एंड वेन डिस्ट्रीब्यूटरीज विल एड एक रिवर आ रही है उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज और जब वाटर के रिसोर्स एड होंगे तो नेचुरल क्या है कि उसका जो वाटर का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और स्पीड भी उसके साथ थोड़ी सी वो बढ़ जाएगी नेक्स्ट इज लोअर कोर्स इन दिस लोअर कोर्स द रिवर बिकम्स वेरी स्लो एज अ ग्रेडियन बिकम्स ऑलमोस्ट फ्लैट अब यहाँ पर क्या होगा ये जब प्लेन्स में अब जो रिवर चल रही है तो इसमें क्या होगा ये स्पीड है वाटर की वो कम हो जाएगी ड्यू टू हैवी लोड्स इट कैरीज टिल दिस स्टेज इट फ्लोज स्लगिशली अब जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ है उसमें जो हैवी लोड्स ये कैरी करते हुए आ रही है तो उसकी वजह से ये कैसे फ्लो करेगी बिल्कुल स्लोली डेपोजिशन इज द मेन एक्शन हीयर रिवर जनरली डिवाइड इंटू वेरियस चैनल्स कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरीज बिफोर ड्रेन आउट इन द सी और लेक एज़ यू कैन सी इन द डाइग्राम कि जब रिवर है अपने वो सी तक पहुँचने से पहले क्या होगा उसके जो वेरियस चैनल्स वो अलग अलग हैं पार्ट्स में जैसे वो डिवाइड हो गई है इसको क्या बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज इन दिस पार्ट सिल्ट एंड क्ले एंड फॉर्म्स ट्रायंगल शेप्ड लैंडफॉर्म कॉल्ड डेल्टाज़ तो इसमें क्या होगा इस स्टेज में आके जब डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो रही है रिवर तो जो इसके साथ है जो सेडिमेंट्स जो लेकर आई है सॉल्ट है सिल्ट है क्ले जो भी है वो कहाँ पे जमा होंगे वो जिस प्लेस पे जाके जमा होंगे एक लैंडफॉर्म बन जाएगा ट्राएंगल शेप्ड एंड दिस इज़ कॉल्ड डेल्टा